हैं बाउंड्री इंडिया टीवी। इस समय है काशी मीरा में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं रोड के उस साइड में, वहाँ पे एक और आरएमसी प्लांट बनने जा रहा है, जबकि काशी मीरा में दो ऑलरेडी पहले से ही प्लांट है मनपा का, उनको परमिशन अभी तक पूरी तरह से मिला नहीं है, उसके बावजूद ये तीसरा प्लांट आ रहा है, जिसकी लड़ाई अनिल ताटे कई महीनों से लगातार करते चले आ रहे हैं। इसलिए बात करते हैं अनिल ताटे से, आखिर ये जो तीसरा प्लांट हो रहा है, इनके लाख विरोध करने के बाद भी जो दो पहले से आरएमसी प्लांट हैं उनके तो डॉक्यूमेंट के पास नहीं है और तीसरा बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वही तो मैं आश्चर्य हूँ कि अपना इस मीरा भाईंदर में लॉ कायदे का राज्य है कि नहीं, ऐसा मुझे अभी शंका आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं दिसंबर में मैंने आंदोलन किया था, अन्न त्याग आंदोलन किया था, उपोषण किया था, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली फॉलोअप किया, मुझे बोला गया था कि जो दो चालू है वो बंद किया जाएंगे, उनके पेपर मंगवाएंगे। अभी तक मैंने जब भी गया था लास्ट टाइम बचाव सर से मिला था प्रभाग अधिकारी, तो उन्होंने मुझे जो दिया डिटेल उसमें से बहुत सारे पेपर अभी तक उनके पास आए नहीं है, मतलब जो दो है वो तो इलीगल है, प्लस ये तीसरा का जो चालू अभी किया है उसका तो एक भी पेपर अभी तक वो लोग ने प्रोवाइड नहीं किया, ना लोकल अथॉरिटी का NOC है, ना पोल्यूशन बोर्ड का पेपर है, लेकिन जिस तरह से ये काम चालू है तो मुझे तो लगता है इसके पीछे कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मीरा भाईंदर में कायदे का राज्य नहीं है। आपके हाथ में लेटर है कि आपने इसका विरोध किया? अभी ये खास करके इसके लिए मैंने अभी माननीय आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी और पुलिस स्टेशन को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लेटर दिया है, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ और ये काम अगर बंद नहीं हुआ तो इसके लिए मैं रास्ता रोको आंदोलन करूंगा, और मैंने पुलिस को इसके लिए परमिशन डाला है, अगर पुलिस ने इसके लिए मुझे अगर परमिशन देती है तो मैं उसी दिन मैं रास्ता रोको करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और वो लोग भी चाहते हैं कि अनिल ताटे को कैसे भी कायदे में फंसाए, इसलिए मैं जो भी करूँगा कायदे से करूँगा, क्योंकि मैं कायदे के राज में रहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब ने सिखाया है कि जो पेन जैसा हथियार है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे लगे हैं और मुझे मालूम है कि ये मैं अगर गलत कुछ तरीका करूँगा तो ये लोग मेरे पे झूठा केस करके मेरे को अटकाने की कोशिश करेगा, इसलिए जब तक पुलिस परमिशन नहीं देता तब तक मैं रास्ता रोको नहीं करूँगा, लेकिन रास्ता रोको पब्लिक के साथ मैं करने वाला हूँ इस विषय में जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। जैसे कि आपने सुना कि अनिल ताटे ने जिस प्रकार से कहा है कि इस प्लांट में कई लोगों का हाथ है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मुझे, यानी कि अनिल ताटे को कई लोग फंसाना भी चाहते हैं, क्योंकि काशी मीरा में जो जनता की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अनिल ताटे महीनों से काशी मीरा की समस्याओं को लेके हमेशा प्रशासन के खिलाफ, मनपा के खिलाफ आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि काशी मीरा में हर पार्टी के नेता हैं, उठाते अकेले आप आवाज़ उठाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही मुझे दुख होता है एक्चुअली, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पूरे काशी मीरा में बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, बहुत सारे हर एक पार्टी में, ये मुद्दा जो है सामाजिक मुद्दा है, तो सामाजिक मुद्दा होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक मुद्दे को सामाजिक मुद्दे से ही उत्तर देना चाहिए, ये मुझे लगता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अगर ये जिस प्रकार से ये आरएमसी प्लांट नया बनने जा रहा है और दो प्लांट के अभी तक इनके पास डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं है, तो आप अपने तरीके से क्या करने वाले हैं? नहीं, मेरा ये कहना मतलब है जो भी करो कायदे से करो, कायदे में अगर सब कुछ होता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर कायदे से नहीं होता है तो नहीं होना चाहिए, कायदे में होता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरा यही कहना है प्रशासन से कि अगर कायदे से आप कर रहे हो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कायदे के ऊपर कोई नहीं है, अगर कायदे से होता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आप दिखाओ कायदे में, तो विषय खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि अनिल ताटे ने कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर कायदे के अनुसार आप यहाँ पे आरएमसी प्लांट बना रहे हैं तो ठीक है आप बनाओ, लेकिन काशी मीरा में पहले से ही दो आरएमसी प्लांट है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे प्रदूषण होता है। बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी मीरा में कई सारे नेता हैं हर एक पार्टी के, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्या बात है? इन्होंने पहले ही कहा कि इस प्लांट में कई लोगों का इसके अंदर हाथ है और कई लोग इन्हें फंसाना भी चाहते हैं, इसलिए ये कानून के खिलाफ काम नहीं करेंगे, कानून के हद में रहकर ये काम करेंगे, इसीलिए इन्होंने चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे मनपा अधिकारी हो वहाँ तक पहुँचाया है, और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द जन आंदोलन करने वाले हैं रोड पे बैठ के, अगर मनपा लापरवाही करती है तो इसी तरह से आम जनता के साथ खिलवाड़ करेगी। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अनिल ताटे ने जब भी जो लेटर मनपा अधिकारी तक पहुंचाया है, क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, और ये आंदोलन पे कब बैठेंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए और देश राइट।